सोलन में नगर निगम के चुनाव बिल्कुल पास आ गए हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन इन चुनावों को सफल बनाने के लिए मत बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है, जिसमें करीबन 3 दिनों में 4,500 मत बनाए जाने हैं, जिसके लिए तहसील सोलन में लंबी लंबी कतारें शहरवासियों की लगी रही। सुबह से ही अपने पोर्ट बनाने के लिए रात तक कतारों में खड़े रहे, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वहां पर महिला, बुजुर्ग और युवाओं के लिए केवल एक ही कतार लगाई गई थी, जिसकी वजह से बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने इस प्रक्रिया पर रोष जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 3 दिनों में करीब 4,500 बोर्ड बनाने थे और जिनकी बोर्डों को महज 2 अधिकारियों द्वारा ही सत्यापित किया जाना था। बोर्डों की संख्या अधिक और अधिकारी कम होने की वजह से दिए गए समय पर बोर्ड समय पर सत्यापित नहीं हो पाई। यही वजह रही कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने मीडिया के सामने अपना रोष भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अगर 4,500 बोर्ड 3 दिनों में बनानी थी तो कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी और काउंटर भी बढ़ाने चाहिए थे, ताकि लोगों को असुविधा ना होती। अब ऐसे में कई वोटर बगैर वोट बनाए ही अपने घरों को वापस चले गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मतदान की प्रक्रिया में वे भाग नहीं ले पाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे लाइन में ऐसे कोई पालना नहीं हो रही है कोविड निगम की, सारे लोग एक दूसरे से जुड़ के यहाँ खड़े हैं। और ये प्रशासन की भी गलती है, जो जिस हिसाब से वोटिंग का नियम यहाँ बनाया है, इनको या तो पार्ट में ये वोट बनाने चाहिए थे वार्ड वाइज वार्ड। इन्होंने 1-2-3 दिन के अंदर ही सारे 17 के 17 वार्डों को यहाँ बुला दिया गया, जिससे बहुत रश हो गया है। आधे लोग तो यहाँ से परेशान होकर, लेडीज़ परेशान होकर चल चुकी है। अब आप टाइम देख सकते हैं, अभी जनता, आप लाइन भी देख सकते हैं अभी कितनी लगी हुई है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये वोट टू राइट तो हर किसी का हक है, पर इसके लिए लोगों को इतना परेशान करना मेरे को तो किसी कारण ठीक नहीं लगता है। अब लापरवाही भी बोलें, एक तो टाइम भी बहुत कम दिया गया इसके लिए, उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी भी हो गया, पर लापरवाही भी बोलेंगे इसको एक तरह की सर। और जो टाइम का भी इसमें दिया गया 3 दिन के अंदर सारे वार्ड यहाँ बने, तो बहुत मुश्किल हो जाए। आप देख सकते हैं 4,000 से ऊपर वोटें बन चुकी है 3 दिन के अंदर, तो 4,000 से ज़्यादा लोग, एक एक लोग वेरीफाई हो रहे हैं यहाँ, एक एक लोगों को वेरीफाई करना पड़ रहा है। इस वजह से लोगों को भी दिक्कत आ रही है, आम जनता को बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ। हाँ, कई लोग सुबह से खड़े, हम भी देख रहे हैं, कई लोग सुबह से खड़े हैं, कई तो वापस जा चुके हैं, बोलते हैं हमने वोट ही नहीं बनानी, हम वापस जा रहे हैं। कहना चाहेंगे ये भैया कि अभी देखिए आप किस तरह से लाइनें लगी हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम है। प्रशासन से अनुरोध था कि 3-4 बूथ बनाते जहाँ पे अलग अलग वार्डों के, एक वार्ड दो वार्ड करते, यहाँ पे उन्होंने 5-6 वार्ड इकट्ठे लिए हैं, जिसकी वजह से हम सवेरे से आए हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है, जिसमें कोई वृद्ध महिलाएँ भी थी, कोई बुजुर्ग भी थे, जो आधे से वापस लौट गए हैं कि हम बाद में ही बूटे बनाएंगे सर। इसमें बहुत बहुत टाइम लग रहा है, आप बता सकते हैं कि अभी भी मेरे ख्याल 9 बज सकते हैं, 9 से 9:30 हो सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है, लोग अभी भी लाइनों में खड़े हैं चारों तरफ से। हम सुबह से आए, सवेरे से अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है, फिर हम अपने वार्ड के नंबर, लोगों के नंबर लगा रहे हैं, पर अभी तक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोविड प्रोटोकॉल भी है, क्या मानते हैं कि बुरा हो रहा है? कोविड की सर कोई नहीं, अब देख सकते हैं, पर लोगों ने अपनी तरफ से मास्क लगा रखे हैं। सरकार भी कितना से लोगों को, 4,000 नई वोटें बन रही है और आज का ही दिन दिया है। अगर प्रशासन चाहता है तो 2-3 दिन का टाइम देता, जो अलग अलग वार्ड से बुलाते हैं, पर एक ही दिन में 4,000 वोटें करना बहुत मुश्किल है। पर प्रशासन अपनी तरफ से पूरा जोर दे रहा है, एक एक बारीकी से अपनी अपनी चीज़ देख रहा है। अब देखते हैं कब तक लोगों के होते हैं।